नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसी अड्डा के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। और आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आधारित है आपके डेली करंट अफेयर्स पर। काफ़ी बच्चों की ये डिमांड थी कि सर आप डेली करंट अफेयर्स के जो हैं वीडियो बनाइए, क्योंकि हम पीसी अड्डा वेबसाइट पर डेली बेसिस पर जो है अपने करंट अफेयर्स को डाल रहे थे, लेकिन आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ही एक नई कड़ी जो है आपके वीडियो से जुड़ी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए। और आज का जो करंट अफेयर है, पहला क्वेश्चन है, अल नगाह इनमें से किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्ध अभ्यास है। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, भारत वियतनाम, भारत ओमान, भारत इंडोनेशिया या फिर ओमान वियतनाम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारत ओमान। इसका करेक्ट आंसर है भारत ओमान। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो युद्ध अभ्यास है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 14 मार्च 2019 से, और 14 मार्च 2019 से ये स्टार्ट हो रहा है, और ये होगा ओमान के निजवा में, और इसकी ओमान की राजधानी है वो है मस्कट, और इसकी जो मुद्रा है वो है ओमानी रियाल। ठीक है, तो याद रखिएगा 14 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है, भारत ओमान के बीच में ये किया जाना है, और ओमान की राजधानी है मस्कट और मुद्रा है ओमानी रियाल। ठीक है, तो ये जुड़ा हुआ इससे कुछ फैक्ट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने 70 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग सेवा शुरू की है। ठीक है, तो ऑप्शन है HDFC, PNB, OBC और SBI। तो देखिए दोस्तों, ये जो स्टार्ट किया है वो SBI ने स्टार्ट किया है डोर स्टेप सेवा, और SBI ने ये सर्विस जो है ये 70 साल से उम्र के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए स्टार्ट की है। और इसके लिए जो ग्राहक जो पात्र होंगे वो वित्तीय लेन देन के लिए 100 रुपये प्रति लेन देन के लिए होगा, और गैर वित्तीय जो लेन देन है उसके लिए 60 रुपये का फीस उनको देना पड़ेगा। देखिए एक बात और कि ये जो सर्विस है डोर स्टॉप बैंकिंग, ये जो बैंकिंग है जो बैंक है उसके 5 किलोमीटर का जो दायरा होगा उसमें ये दी जाएगी। ठीक है, और SBI से जुड़ा हुआ एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि SBI के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो हैं रजनीश कुमार, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। हालांकि SBI की जो स्थापना है वो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी हो चुकी थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। ये बात आप याद रखिएगा। एक फैक्ट और मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको कि HDFC जो है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। ठीक है, मैं यहाँ पर बैंक का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कंपनी का नाम ले रहा हूँ। सबसे अधिक वित्तीय जो सबसे बड़ा जो मार्केट कैपिटल है उसके आधार पर HDFC तीसरे नंबर की कंपनी बन गई है। पहली है IRL, लगभग 8 लाख करोड़ की कंपनी है, और दूसरी है आपकी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका और भारत के बीच में कितने परमाणु रिएक्टर की स्थापना के लिए समझौता हुआ है। तो दोस्तों ये हुआ है 6 परमाणु रिएक्टर बनाएंगे अमेरिका और भारत मिलकर, और ये जो समझौता है ये सन 2009 में भारत और अमेरिका के बीच जो गैर सैन्य परमाणु ठिकानों के लिए जो एक समझौता हुआ था ये उसी के इसमें आगे जा करके किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेष ओलंपिक है ना, स्पेशल ओलंपिक्स जो है 2019 का आयोजन ये UAE में हुआ है। ये बात मैंने क्वेश्चन में ही आपको बता दी है कि इसका आयोजन UAE में हो रहा है, लेकिन इसमें एक रिकॉर्ड बना है कि इस पूरे ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया है। दोस्तों इसमें 200 देशों ने भाग लिया है इस ओलंपिक में। ठीक है, 200 देशों ने भाग लिया है, या आप कह सकते हो कि UAE ने 200 देशों की मेजबानी की है, जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इस ओलंपिक में 195 खेल जो होंगे, 195 जो हैं खेलों में, मतलब 195 जो देश हैं, 195 जो देश हैं वो इसमें ओलंपिक में भाग लेंगे, है ना, स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेंगे, और 5 जो देश हैं वो केवल अवलोकन करेंगे, वो केवल देखने के लिए आए हैं। पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 200 देशों ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, अब इसके बाद एक बात और बता दूं कि जो पश्चिम एशिया है वहां पर ये सबसे बड़ा इवेंट है अभी तक पश्चिम एशिया में इससे बड़ा कोई जो इवेंट है वो नहीं हुआ था। इसके बाद अब संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE, इसकी राजधानी क्या है। तो दोस्तों इसकी जो राजधानी है बताइए आप में से पहले, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसकी राजधानी क्या है। तो इसकी राजधानी होगी अबू धाबी। ठीक है, और मुद्रा क्या है, तो मुद्रा है इसकी संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, दिरहम यहाँ की प्रमुख मुद्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, किडनी जो है ये हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और हमारे ब्लड में जो खराब चीज़ें होती हैं उन्हें बाहर करना या रिफाइन करने का काम है वो करती है किडनी। ठीक है, तो किडनी या हिंदी में से गुर्दे कहते हैं,
कि जो आपके गुर्दे हैं वो बिल्कुल ठीक रहने चाहिए, इसी उद्देश्य के साथ में विश्व किडनी दिवस मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है, तो दोस्तों ये मनाया गया है 14 मार्च को, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार जो थीम है ना, विश्व किडनी दिवस जो है, इसका जो थीम है वो है किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन एवरीवेयर, ये इसका इस बार का थीम है 2019 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। वर्ल्ड गोल्ड काउंसलिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार वाला देश कौन सा है, ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसलिंग की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार जो सबसे बड़ा देश है स्वर्ण भंडार वाला, वो है अमेरिका, ठीक है। अमेरिका जो है ये अभी नंबर वन बना हुआ है इस मामले में, और अमेरिका में लगभग 8,133.5 टन सोना है, लेकिन ये उपभोक्ताओं के पास नहीं है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं उनके पास नहीं है ये सोना, वहाँ की रिजर्व बैंक के पास रिजर्व रूप में रखा हुआ है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो दूसरे नंबर पर है वो है जर्मनी, ठीक है। दूसरा जो देश है वो है जर्मनी, जिसके पास 3,369 टन सोना है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है IMF, जिसके पास 2,814 टन सोना है। और भारत इस रैंकिंग में 11वें नंबर पर है। भारत यूं कि दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, सबसे ज़्यादा सोना आयात करने वाला है, लेकिन जो रिजर्व है वो है 607 टन सोना, जिसके साथ हम बने हुए इसमें 11वीं रैंक पर, ठीक है। देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसलिंग जो है ये कहाँ की संस्था है, तो भैया ये यूनाइटेड किंगडम की संस्था है, ये बात आप याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम की संस्था है। इसके CEO कौन है वर्तमान में, तो वो है डेविड टेट, ठीक है। डेविड टेट यहाँ के CEO हैं इस संस्था के। और इस संस्था की खोज कब की गई थी या कब इसको स्थापित किया था, तो ये किया था 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका काम जो है वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, ये दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम देखती है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, सिसरी सुपारी के लिए इनमें से किस राज्य को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है, ठीक है। देखिए जो भौगोलिक संकेतक है इसको इंग्लिश में हम GI टैग के रूप में जानते हैं, है ना। और ये भारत में 1999 के टाइम से दिए जा रहे हैं। और सबसे पहले जो है भौगोलिक संकेतक वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था सबसे पहले, है ना, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। कमेंट करके आप मुझे बताइए कि दार्जिलिंग चाय को ये भौगोलिक संकेतक GI टैग किस वर्ष में दिया गया था। और अब हम देखते हैं कि ये सिसरी सुपारी के लिए किसको दिया गया है, तो दोस्तों यह है कर्नाटक, ठीक है। तो सही उत्तर है सिसरी सुपारी के लिए इनमें से किसे मिला है, तो वो मिला है कर्नाटक को, ठीक है। ये कर्नाटक के जो उत्तरी कन्नड़ जिला है वहाँ पर ये उगाई जाती है, और ये खासकर वहाँ के सिद्धपुर और येल्लापुर में उगाई जाती है। और लगभग ये कर्नाटक के 40,000 एकड़ में ये उगाई जाती है, और लगभग 40,000 टन इसका उत्पादन वहाँ पर होता है। तो ये हैं सिसरी सुपारी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। आप बताइए कर्नाटक की राजधानी और कर्नाटक के CM इस समय कौन है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसने शौर्यता और विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं, ठीक है। इनमें से किसने शौर्यता और विशिष्ट सेवा प्रदान किए हैं, तो दोस्तों ये किए हैं भारत के राष्ट्रपति ने। अभी एक समारोह हुआ था राष्ट्रपति भवन में, और उसी में ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों के तहत राष्ट्रपति ने 15 परम विशिष्ट सेवा पदक दिए हैं, इसमें एक उत्तम सेवा पदक और 25 अति विशिष्ट सेवा पदक भी अलग से दिए गए हैं। दोस्तों इसमें जो कीर्ति चक्र है वो किन किन को मिला है, तो उनके नाम आप नोट कर लीजिए। सिपाही ब्रह्मपाल सिंह हैं, उन्हें कीर्ति चक्र मिला है। श्री राजेंद्र कुमार नाइक हैं, उन्हें कीर्ति चक्र मिला है, ये कांस्टेबल थे। और मेजर तुषार गौबा ये जाट रेजिमेंट के हैं, और इन्हें भी ये कीर्ति चक्र प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इनके नाम आप एक बार लिख लीजिएगा। और एक बात और मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये जो मेरा पूरा वीडियो है इसका एक PDF मैं लिंक में शेयर कर दूंगा, और आप इसका जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। इसके साथ एक बात और बता दूं कि इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो ये क्वेश्चंस हैं ये हमने PSC.com पर डाले हुए हैं, आप वहां से इनको सॉल्व भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से
किस प्रकार की संपत्ति के प्रयोग को केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रयोग करने की इजाजत दी है। दोस्तों ये संपत्ति है शत्रु संपत्ति, ठीक है। जैसे भारत पाकिस्तान ये आपस में शत्रु है, भारत चीन शत्रु है, तो ऐसे लोग जो कभी भारत में रहा करते थे, जिनकी भारत में कोई ज़मीनें थीं, तो वो लोग अब भारत छोड़कर विदेशों में जा बसे हैं और उनकी जो संपत्ति है वो अब शत्रु संपत्ति के तहत आती है। तो केंद्र सरकार ने कह दिया राज्यों को कि आप इन संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, आप इनको बेच भी सकते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्मचारियों के बच्चों के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करने वाला पहला बैंक इनमें से कौन सा बना है, ठीक है। तो दोस्तों ये बना है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कर्मचारियों को इस तरह की सुविधा प्रदान करना शुरू किया है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही सकारात्मक कदम माना जा सकता है। अच्छा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर है वडोदरा में। इसके CEO हैं वर्तमान में PS जयकुमार, ठीक है। ये 2015 से ही इसके CEO बने हुए हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर कभी कभी पूछा जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो की थी आपकी सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने की थी, ठीक है, और ये भारतीय स्वामित्व के तहत ही बैंक आता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को स्थापित हुए कितने वर्ष हो चुके हैं? दोस्तों इसको स्थापित हुए वर्ष हो चुके हैं 34 वर्ष हो चुके हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो जो है इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी, ठीक है। जो NCBR है इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी और इसका उद्देश्य है कि भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाना, है ना। फिर से सुन लीजिए, भारतीय पुलिस को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाना। और इस एजेंसी के जो अभी एग्जीक्यूटिव हैं, डायरेक्टर हैं, वो है रामपाल पंवार, ठीक है। रामपाल पंवार इसके प्रमुख हैं। और आपको एक बात और बता दूं कि राज्यों में जो अपराध होते हैं उन अपराधों को रिकॉर्ड किया जाता है और उन सभी रिकॉर्ड्स को कलेक्ट करता है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, और उसी के आधार पर समय समय पर ये जानकारी दी जाती है कि किस राज्य में अपराध जो है वो बढ़े हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है। पुलिस महानिदेशक DGP नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गाइडलाइन जारी की है, तो उन्होंने ये कहा है कि रिटायरमेंट में कितना समय बचे और उसके पहले उसको नियुक्त करने की बात कही गई है। तो दोस्तों ये बात कही गई है 6 माह, है ना। अगर 6 माह बचते हैं रिटायरमेंट में तो DGP आप नियुक्त करें। और इसमें भी एक बात उन्होंने ये कही है कि DGP नियुक्त करते समय वरिष्ठता को आपको ध्यान में रखना है, तो हमारी न्यायपालिका का ये बहुत ही अच्छा और उचित कदम माना जा सकता है। अगला प्रश्न है कि GoDaddy नामक एक कंप्यूटर कंपनी है जो काम करती है, अक्सर आपने इसका वो देखा होगा जो एड वगैरह आते हैं वो, कि GoDaddy कीजिए और इस पर अपनी जो बिजनेस है उसको बढ़ाइए, उस तरह की कंपनी है ये जो आपको एक तरह का डोमेन नेम प्रदान करती है, ठीक है। आधिकारिक रूप से इसने अभी किसी खेल प्रतियोगिता में प्रायोजक बनने का निर्णय लिया है। ये कौन सी है? तो दोस्तों ये है क्रिकेट विश्व कप, जो अभी 2019 में आयोजित होना है। क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है ये आपका 30 मई से स्टार्ट होगा और 14 जुलाई तक ये जारी रहेगा, और ये होगा इस बार इंग्लैंड और वेल्स में, ठीक है। तो 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है इसमें कितनी टीमें भाग ले रही हैं, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कितनी टीमें इसमें भाग ले रही है। और अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट से। अगला प्रश्न है, वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इनमें से किस रामसर स्थल को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि रामसर जो है ईरान में एक शहर है और इसमें एक संधि हुई थी खासकर वेटलैंड्स को लेकर के। तो ये कौन सा स्थल है? ये भारत में ही दिया गया है और ये है सुंदरवन, ठीक है। ये है सुंदरवन। आपको ये बताना है कि सुंदरवन जो है ये किस राज्य के अंतर्गत आता है और यहाँ पर जो सुंदरवन है इसका नाम सुंदरवन आखिर क्यों पड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, और आशा करता हूँ आप सभी को ये पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हैं तो जल्दी से आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो आपका बेल आइकन है ना, जो लेफ्ट की तरफ, जो राइट की तरफ है, उसको भी आप क्लिक कर दीजिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी हम नए वीडियोस डालेंगे वो फटाक से आपके पास पहुंच जाएंगे, मतलब नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों इसी प्रकार से मैं जो ये करंट अफेयर है उन्हें कंटिन्यू लाता रहूँगा, और आपके जो भी समस्याएँ हों पढ़ने से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो वो आप हमसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।